नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जीडीएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि एसएससी जेई के बारे में बात करेंगे हम, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम। एसएससी जेई क्रैक करने के लिए क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सटीक बात बताऊंगा आपको। अगर ये आपने कर लिया तो आप एग्जाम जरूर क्रैक कर लेंगे। एसएससी जेई की जैसे कि डेट आ गई है, एक नोटिस मैंने डाला हुआ है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि मैं क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये अच्छा लगा कि नहीं। एक वीडियो मैंने डाल रखा है आपका स्ट्रेटजी अबाउट द एसएससी जेई, उसमें मैंने पूरे सब्जेक्ट वाइज डिटेल बताई है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। आपको ऊपर टॉप पे भी आई बटन पे भी वो लिंक आपको मिल जाएगा। तो एसएससी जेई का वो वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत बच्चों ने उसके लिए तारीफ की है और जो बिगनर्स हैं और जो आपके जूनियर्स हैं उनको जरूर आप ये वीडियो शेयर करिएगा। जो पुराना वीडियो है उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया, अभी तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो उनके लिए है जो सभी चीजें पढ़ चुके हैं, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ चुके हैं। अब उनको तैयारी कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है माय डियर कि एग्जाम में आपको कॉम्पीट करना और एग्जाम क्रैक करना आज के समय में बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि सीट्स जो है वो डे बाई डे डिक्रीज हो रही है और सीट्स के साथ साथ कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है। कॉम्पिटिशन में माय डियर जो सिलेक्टेड हैं, जो जब हम लोग सेलेक्ट हुए थे उस ड्यूरेशन में इतने आसान क्वेश्चन आते थे कि आज जो मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे जो CPWD में अभी जॉब कर रहे हैं, इवन वो माय डियर कहते हैं कि अगर आज का पेपर हम लोग देते तो हम लोग कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो दिस इज द डिफरेंस, इतना डिफरेंस आ चुका है। तो आप ध्यान से जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद मैं उसका आपको लिंक भी शेयर करूंगा टॉप में। और आप अपने इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ना अच्छा लगे तो आप थम्स डाउन करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा जो मैंने बताया क्या सही है, क्योंकि हम लोग सीनियर्स हैं, बहुत बच्चों को डील करते हैं HVTI में। जैसे अभी UPPSC का रिजल्ट आया JEE का 2013 वाला, काफी बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए, इंटरव्यू वगैरह हो गया। UPPSC AE 2013 वाले में काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो अब SSC JEE भी, SSC JEE में सीट्स डिक्रीज हो रही हैं, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए हम चलते हैं अपने PPT की ओर। चलिए मैं आपका GTOS Academy जो SSC JEE सिविल इंजीनियरिंग के लिए मेनली UPSSC JEE और ऑल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज चाहे AE के हों चाहे JEE को, उसके बारे में बताते हैं। हम चलते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इसमें देखिए फॉर सिलेक्शन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आप यहाँ जुड़े रहिए और ध्यान दीजिए कि क्या करना है क्या नहीं। आप देखिए व्हाट टू डू, क्या आपको करना चाहिए वो हम देखने जा रहे हैं। व्हाट टू डू, क्या आपको करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जितने भी बच्चे जो तैयारी कर चुके हैं वो क्या करते हैं, बार बार नोट्स को पढ़ते रहते हैं, बार बार नोट्स को रिवाइज करते हैं। तो आपको क्या करना है, नोट्स नहीं, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं अपने। तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज, शॉर्ट नोट्स डेली अर्ली मॉर्निंग, आपको डेली 1 से 2 घंटे अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। आप क्या करना है, दूसरा प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं टेक्निकल के भी। और टेक्निकल से जब आप उठते हैं तो नॉन टेक्निकल के प्रीवियस ईयर देखिए, आप स्टेट देखिए या अदर देखिए, SSC JEE के भी कुछ क्वेश्चन पैटर्न आपको पता चलता है अगर आप लगाते हैं। रीजनिंग, हिस्ट्री और पॉलिटी तो ये तो चेंज नहीं होता है, और करंट और GK ये चेंज होता है, तो इसके लिए आपको डेली 1 घंटा देना पड़ेगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। रीड करंट अफेयर, करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है, डेली जैसे 5 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया है। तो आपको आधे से 1 घंटा डेली आपको एनुअल मैगजीन ले लीजिए या आप मंथली मैगजीन ले लीजिए, कोई भी करंट अफेयर की आप कोई भी ले सकते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप सब जानते हैं कौन सी अच्छी होती है। तो आप अगर चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, वो भी मैं आप बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर का पोर्शन, क्योंकि आपको जो 50 नंबर का नॉन टेक्निकल आता है जो GS पोर्शन होता है उसमें करंट अफेयर्स के कभी कभी 20 से 30 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। और जनरल नॉलेज आपको देखिए, जनरल नॉलेज आपके कई एग्जाम्स में काम आती है, केवल SSC JEE के लिए नहीं, आपका 50 में से 30 नंबर, 50 नंबर जो है उसमें आपका लाइफ साइंस वगैरह जनरल नॉलेज में, आपका रीजनिंग सॉरी जनरल में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में आपका करंट से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। लाइफ साइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ साइंस और आपका एनवायरमेंटल जो है जनरल एनवायरमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जनरल नॉलेज पे फोकस करना है, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है जो हमें पढ़ाए हुए बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये तक किया है कि उन्होंने केवल नॉन टेक्निकल के दम पे वो 115 नंबर तक ले आते हैं, क्योंकि टेक्निकल उनका बहुत वीक है और नॉन टेक्निकल उनका बहुत स्ट्रांग था, तो वो 100 में से नॉन टेक्निकल में 75-80 तक स्कोर कर लेते हैं। इसका मतलब
आपका अब जो मेरिट जा रही है वो केवल टेक्निकल के दम पे नहीं जा सकते हैं, टेक्निकल पे आपको 100 में से कभी भी आप 100 नहीं कर पाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं तो आप 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही तब अगर आप 70-80 करते हैं, 70-80 में कट ऑफ कुछ नहीं होता है, आपको रीजनिंग और जीके पे भी फोकस करना पड़ेगा। और पेपर वन पे अगर आप अपनी कमांड बना लेते हैं तो पेपर टू आपके लिए आसान हो जाएगा, पेपर टू में आप आसानी से काम कर सकते हो। रीड एंड लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन। जो सब्जेक्ट आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, जैसे कई बच्चों को सोम में दिक्कत होती है, आरसीसी में दिक्कत होती है, स्टील में दिक्कत होती है, स्ट्रक्चर में दिक्कत होती है, तो बच्चे क्या करते हैं सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, कुछ क्वेश्चन रट लेते हैं, बस काम खत्म। वो आसान सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, बीएमसी पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, सर्वे पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में उलझे रहेंगे, एनवायरमेंट पढ़ेंगे, पीएचई पढ़ेंगे, और वो डीप में नहीं जाते हैं, पीएचई छोड़ देंगे, सॉरी आपका पर्थ एंड सीपीएम छोड़ देते हैं लोग, मैकेनिक्स छोड़ के जाते हैं। तो ये आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना, जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसको ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। और बिफोर एग्जाम मस्ट प्रैक्टिस रीजनिंग। एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले आपको रीजनिंग के 20 से 30 सेट लगाने बहुत जरूरी हैं। अगर आपने लगाए तो रीजनिंग में से 50 में से 49 49 नंबर में स्टूडेंट्स के आए हैं। लर्न ओनली अर्ली मॉर्निंग, मतलब आप जो याद करेंगे, याद करने वाला काम केवल सुबह के लिए रखिए, और लेट नाइट तक ज्यादा पढ़ाई मत करिए, ज्यादा से ज्यादा आप 12 तक पढ़िए। और जो भी लर्निंग वाला प्रोसेस है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम आपकी मेमोरी में फ्रेश होता है, उसमें जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो अधिक होती है, तो मॉर्निंग में आप अधिक पढ़ सकते हैं, मॉर्निंग में अधिक कैप्चर कर सकता है आपका दिमाग। तो रिविजन जो है वो मॉर्निंग में करिए, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए, 10-15 मिनट डेली जितना टाइम हो सकता। डेली स्टडी मोर देन 5 आवर, हर दिन आपको 5 घंटे से ज्यादा पढ़ना जरूरी है। पहले बता चुका हूँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप चाहेंगे विदाउट कंपटीशन हम पढ़ ले जाएं और आसानी से एग्जाम निकाल लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले आसान था अब डिफिकल्ट है। व्हाट नॉट टू डू, क्या आपको नहीं करना चाहिए वो देखते हैं। नॉट रीड नोट अगेन अगेन अगेन, कई बच्चों की क्या हैबिट होती है कि हम नोट्स पढ़ते जाएंगे, नोट्स पढ़ते जाएंगे, 100 बार पढ़ चुके हैं नोट्स, फिर भी माय डियर आप चाहे जितना पढ़ लीजिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट होना ही है, इसलिए नोट्स पे ज्यादा मत जाइए। नोट्स तभी खोलिए जब आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं या किसी कंसेप्ट में फंसते हैं। नोट्स को एक तो बार तो पढ़ना है पूरा, लेकिन बच्चों की आदत होती है वो हर बार नोट्स खोल के बैठ जाएंगे, अरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ आज, स्टील का खोल के बैठे, सोम खोल के बैठे, ये नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जहाँ फंसते हैं वहां पे नोट्स खोलिए। डोंट स्टडी एट लेट नाइट, ज्यादा रात तक नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो मेमोरी होती है फिर वो उसकी जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो नाइट की होती है, लेकिन कोई एग्जाम आपका नाइट में नहीं होता, हर एग्जाम आपका डे टाइम में होता है। तो अगर आप मॉर्निंग में और दिन में पढ़ने की आदत डालेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल। अपनी बॉडी हैबिचुअल होती है, जिस चीज की हैबिचुअल हो जाती है उसी टाइप से बिहेव भी करती है। डोंट रीड बुक्स, बुक्स मतलब आप ये मत करिए कि आप स्टील की बुक लेके बैठ गए हैं, टेक्स्ट बुक जो बीटेक में पढ़ते थे, रामानुत्तम लेके बैठ गए हैं स्टील के, बीसी पुनमिया लेके बैठे। डोंट डू दिस, आप बुक्स मत पढ़िए, बुक्स वो टॉपिक खोले जिस टॉपिक में आप फंसते हैं, पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे नोट्स अगर आपने कोचिंग की हुई है तो नोट्स में पर्याप्त मटेरियल अवेलेबल होता है, फिर भी कुछ अगर मटेरियल नहीं है तो आप नेट से देख सकते हो या बुक से सेलेक्टिव टॉपिक आप देख के वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। जैसे आपको कभी रॉक में दिक्कत है मटेरियल में, या आपको टिम्बर में दिक्कत है, पर्टिकुलर बुक बीसी पुनमिया खोलिए, उस पर्टिकुलर चीज को देख लीजिए या कोर्ट से आप कंफर्म कर लीजिए जो भी है। डोंट टेक लाइटली एनी सब्जेक्ट स्पेशली नॉन टेक्निकल, आपको हल्के में कुछ नहीं लेना है। ज्यादातर आप बच्चे क्या करते हैं, नॉन टेक्निकल को हवा में उड़ा देते हैं कि हम टेक्निकल 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 करते करते लास्ट में होता है कि ना टेक्निकल में 100 में से 60 तक स्कोर करने में दिक्कत आ जाती है, और नॉन टेक्निकल तो आप स्टार्टिंग से ही हल्के में लेके चल रहे थे तो नॉन टेक्निकल में तो वैसे ही दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो ये आपको नहीं करना है, लाइटली नहीं लेना है। डेली अगर 6 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हो, कम से कम 1 से 2 घंटा आप नॉन टेक्निकल को भी देने की आदत डालिए, क्योंकि आजकल कोई एग्जाम नहीं है जो केवल टेक्निकल पे बेस्ड हो, आपको नॉन टेक्निकल आना बहुत जरूरी है। डोंट रीड इजी सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, बच्चे क्या करते हैं जो उनको आसान लगता है, उनको बीएमसी आसान लगती है वो बीएमसी ही पढ़ेंगे, हमेशा बीएमसी रिवाइज कर, सर्वेइंग अच्छी लगती है सर्वेइंग ही पढ़ते जाएंगे, जब देखो जब सर्वेइंग ही पढ़ना और कुछ करना ही नहीं तो वो इजी सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे। लेकिन जो उनको टफ लगता है, सोम SFD BMD नहीं आता है, कभी उसको छुएंगे ही नहीं, उसके क्वेश्चन देख के पहले ही डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हमारे चैनल में SFD BMD का वीडियो पड़ा हुआ है,
आप जाके देख सकते हैं, कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। डोंट वेस्ट टाइम विद फ्रेंड्स, ज्यादातर मैं देखा है बीटेक वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, फोन में बातें कर रहे हैं 5-5 घंटे, 4-4 घंटे डेली, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे। आपका अगर ज्यादा फ्रेंड्स है तो आप डेली मान लो डेली 1-2 फ्रेंड से बात कर रहे हो तो बहुत ज्यादा। आप पढ़ाई के रिगार्डिंग डिस्कशन करो वो बेटर है, लेकिन आप जानते हो दोस्तों के बीच में पढ़ाई का कितना डिस्कशन होता है, हम लोग भी उसी फील्ड से निकले, उसी एज से निकले हैं, तो पढ़ाई बहुत कम डिस्कस होती है दोस्तों के बीच में, पढ़ाई ना हो सकती है। ग्रुप स्टडी जो लोग कहते हैं, ग्रुप स्टडी नाम की कोई चीज ही नहीं है, जब तक सिंसियर लोग नहीं होंगे डेली ग्रुप स्टडी से कोई मतलब नहीं है। आप हफ्ते में एक दिन, हफ्ते महीने में 2-4 दिन जब आपको कोई कंफ्यूजन होता है तब आप आपस में डिस्कस करके करें तो वो ग्रुप स्टडी अच्छी होती है, और वैसे नॉर्मली लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इग्नोर ग्रुप स्टडीज डेली, ग्रुप स्टडीज आपको डेली नहीं करनी है, आप पढ़िए जिस चीज टॉपिक पे आपको डाउट हो, अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे। जैसे आप फंस गए हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, और भी कई टॉपिक हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आप फंस गए हो, स्टील में फंस गए हो, आप डिजाइन कैसे करते हैं, तो उस टॉपिक को पर्टिकुलर आप अपने दोस्तों से डिस्कस करिए। और माय डियर, आप लोगों को चैनल G2S Academy जो है इसमें ये आपको ये चीज अगर आप करेंगे डेली जो मैंने बताया, और टेक्निकल में जो आपका खास कर है, टेक्निकल को बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट शॉर्ट नोट्स आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं वो ऐसे बनाने हैं कि जो क्वेश्चंस में ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो ज्यादा चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं और वो आप चीज भूलते हैं तो उसको आप शॉर्ट नोट्स में डालिए। हर सब्जेक्ट के बाद 1-2 पेज रखिए, कोई नई चीज ऐड होती है तो उसको आप जरूर पढ़िए और उसको उसमें नोट्स में जरूर ऐड करिए, शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड करिए, और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आजकल केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, गेट के 1 नंबर लगाइए, ईएस के आसान क्वेश्चंस लगाइए, और भी जितने आपकी बुक्स हैं, गुप्ता एंड गुप्ता हो गई, खुर्मी हो गई, और भी जितनी आपकी बुक्स हैं उन बुक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और उसी से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि केवल आप नोट्स पढ़ के कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पैटर्न पता चलता है और नोट्स में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चलता है, जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मैंने एक स्ट्रेटेजी बता रखी है कि सब्जेक्ट से कैसे किस बेसिस पे कितना परसेंटेज आपको पढ़ना पड़ेगा, और भी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके आप बताइएगा, ये वीडियो कैसा लगा आपको ये भी हमें बताइएगा, कि मैंने बताया ये आपके लिए यूजफुल है कि नहीं ये भी मुझे आप जरूर बताइएगा। माय डियर, आप लोगों को मुझसे जोड़ने के लिए थैंक यू, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।